हेलो हेलो एवरीवन, सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 6 बज चुके हैं और मैं आज उठी थी 4:45 बजे। 4:45 बजे उठ के मैंने सारा काम कर लिया, अपना झाड़ू पोछा बर्तन। तो आप सबको जय माता दी, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे बस मैं फिर नहाकर आ गई थी। आज मैंने ना सिर नहीं धोया था क्योंकि मैंने परसों ही धोया था, तो मम्मी जी से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा कोई नहीं है, तो परसों धोया हुआ है, ऐसा गंदा सर भी नहीं है। तो मैं बस किचन में आई हूँ और मैं जब गोला घिस रही थी, देखो गोला गिर गया सूखा नारियल। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे तैयारी कर ली थी अपनी सारी पूजा की, और यहाँ पे अष्टमी का भोग भी बन गया माता रानी का। यहाँ पे फिर मैं और मेरी सासू माँ पूजा कर रहे थे। उन्होंने व्रत तो नहीं रखा था, लेकिन फिर भी ना मेरे साथ डेली वो पूजा करवाती थी, लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाती थी। और यहाँ पे फिर मैं लौंग जो लास्ट वाला जो हमारा अष्टमी है ना, उसमें मैं सबके नाम की लौंग चढ़ाती हूँ जितने भी परिवार में हैं। और लौंग भी ना ऐसी थी कि उसमें ना फूल देखने पड़ते हैं, फूल वाली लौंग चढ़ाते हैं ना, तो वो देख रही थी मैं। फिर मैंने अपनी जोत अगारी कर दी और उसके बाद मैंने भोग लगाया और कथा होती है, दुर्गा चालीसा होती है। और यहाँ पे मैं भव्य को कह रही थी कि तू भी बैठ जा, पर वो कह रही थी मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ और कन्याओं को देखती हूँ कि कौन से घर में कन्या है। तो कन्याओं को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतनी बिजी थी ना आज के दिन, तो वो कभी किसी के कभी किसी के। तो बस यहाँ पे मैं कथा करूँगी और उसके बाद दुर्गा चालीसा, विंदेश्वरी चालीसा और आरतियाँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बृहस्पति देवा की जय, माता लक्ष्मी की जय। आरती कीजे हनुमान लला की, दर्पे दलन रघुनाथ। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में और बस मैंने ना अष्टमी का ही भोग की पूड़ी बनाई थी, बाकी बच्चों के लिए नहीं बनाई थी, कन्याओं के लिए। तो बस कन्याओं के लिए मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ उतार रही थी क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आराम से बैठ के खाना खाएं, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 7:30 बज चुके थे। मेरा काम तो सारा रेडी था लेकिन बस बच्चे ही नहीं मिल रहे थे और भव्या और उसकी अम्मा लगी हुई हैं कन्याओं को ढूंढने में। तो मुझे एक ये फ़ायदा बहुत हुआ कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो भव्य बाहर देख रही है कि कन्या कहाँ पर हैं, आई थिंक वो ढूंढ भी लेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल बी हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माता रानी की जय। आज 8 हैं, अष्टमी हैं, तो सब अपने घर में तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी भी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं ना पहले मतलब बहुत जल्दी कर लेती थी, 3 बजे उठ के 7 बजे कर लेती थी, लेकिन आज मेरा ना पहली बार ऐसा हुआ जो मैं 8 बजे कर रही हूँ और बस कन्या आने का वेट है और मैं कर लेती हूँ तैयारी। फ्रेंड्स, आपके यहाँ भी अष्टमी होती है? वैसे बहुत सौ के ना वैसे अष्टमी होती है और बस कन्या के टाइम लगा रही है, वरना तो मेरा तो सारा काम हो गया है। चलिए मैं पहले कन्या को जमा लेती फिर आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स, कन्या आ गई हैं और भविया ने मेरे हिसाब से बहुत मदद करवाई है, इसने सारे कपड़े उपड़े बिछाए हैं, चादर वगैरह। और अम्मा लेने गई हैं, मिली नहीं कन्या आज? बहुत मुश्किल से मिल रही थी ना, कन्या की शॉर्टेज। हाँ, तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर वीडियो को कमेंट करना जरूर ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे पास ना बहुत दिनों से यही कमेंट आ रहा था कि आप पहले व्लॉग बनाते थे, अब व्लॉग एक भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए आप सबके डिमांड पे मैंने ये अष्टमी का व्लॉग बना रही हूँ माता रानी का। बहुत दिनों में मैंने मतलब बहुत इतना लेट करी है। हाय, नमस्कार। निकालना भूल गई आज तो मजे आ रहे हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ सारे बच्चे, पैर धुलवा लो। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स भव्या पैर धो रही है सब कन्याओं के, और मम्मी जी यहाँ पे बच्चे कितने हो गए बच्चे? 11। कोई बात, उसको वैसे ही चलता है। चलो जैसा तो ग्यारह ही सीधा।
लड़कों को बेटा लंबा लगता है, लंबा आराध्या को पता है, भव्या को पता है, लड़कों के सीधा लगता है ना। Hey guys, कैसी लग रही हूँ मैं गाइस? ये आराध्या सबको पता ही है। और सब एक साथ बोलो माता रानी की जय। चलिए अब आपके लिए खाना थोड़ा सा रखिए, बस खाते हैं। चम्मच चाहिए लादा जी, चम्मच तो नहीं खाली थी वो प्लास्टिक वाली, और ले आओ चम्मच, मम्मी लाओ। खा लिया कि नहीं, कुछ खाया? देखिए गाइस, ये लड़का ना अभी कन्याएं ऊपर खा भी रही हैं और अभी ये सबसे पहले आ गया। मैं तो खा भी लिया। क्यों आए तुम सबसे पहले? मन ना लग रहा। मन नहीं लग रहा क्यों? बताऊं कितने इतनी बड़ी बड़ी वो बड़ी बूढ़ी हैं? अच्छा तो बड़ी बूढ़ी अच्छी लगती क्या है? मन नहीं कर रहा। अच्छा तो फिर मतलब कितने घर खा लिए तूने खाना? बहुत सारे पैसे हैं, दिखाना जरा। अच्छा दीदी के पास रहने दे, रहने दे फिर दीदी। ना 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 खा लें दे, कोई बात नहीं बाद में। चलो यहाँ खड़े हो, सबके पैर छू। दिव्यांशी घर चलना है, आ जा। मैं बुला रही हूँ, दो मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स सारा काम मेरा कन्याओं का हो चुका है, कन्या पूजन हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने सोचा किचन भी साफ कर दूं, तभी मैं लेटूंगी, दोपहर में मुझे नींद आती है। बस भव्य का तो है और आराध्य का इंतजार कर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स अभी 4 बज गए हैं और मैं ना सो गई थी, सो के मेरे थोड़े से बाल ऐसे हो गए। तो बस वही 8 दिन के बाद आज खाना खाया था ना, तो ऐसा हल्का सा आ जाता बहुत ज़्यादा, मतलब तो नींद भी नहीं आती। तो मैं सो गई थी और बच्चे चले गए ट्यूशन, क्योंकि कल की उनकी छुट्टी हुई, नौवीं के दिन वो छुट्टी करती है ट्यूशन वाली, क्योंकि उनकी है नौवीं होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि आज मैंने इतने सालों बाद कन्या इतनी लेट क्यों जमाई है, इसलिए जमाई है इस बार कन्या पूजन मुझे इसलिए लेट हुई थी कि एक बार जब मैं ना पहले क्या करती थी कि 3 बजे उठती थी और 3 बजे उठ के 6 बजे तक सारा काम कर लेती थी, बस मेरी क्या रहती थी कन्या नहीं आती थी। तो फिर एक बार क्या हुआ कि पिछली बार मेरी सासू माँ को करना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको करना पड़ा। तो वो ना जब जैसे वो बड़ी हैं मतलब बुज़ुर्ग हैं तो वो आराम से फिर उठी, उनके जल्दी तो नहीं उठा जा गया, तो वो आराम से उठी 7 बजे और 7 बजे उठ के उन्होंने 9 बजे आराम से करने को तो सारा काम करके ना, और जैसे उन्होंने पूजा पाठ अपनी ख़त्म करी, काम ख़त्म कर, वैसे ना कन्या उनको मिल गई। तो मुझे लगा कि मैंने कहा आराम से उठने के बाद भी आराम से कन्या मिल गई हैं, तो मैं फिर मतलब 3 बजे उठ के क्यों मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करूँ, कि मतलब मुझे शौक तो था कि मतलब मैं जल्दी से पहली बार जो कन्या खाएं वो मेरे घर ही खाएं। लेकिन फिर वही ना, फिर जब 6 बजे काम करके मैं बाहर खड़ी रहती थी कि अब मिले कन्या, और छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उठने में थोड़ा दिक्कत करते थे। तो मुझे ना ये मतलब आइडिया बड़ा अच्छा लगा अपनी सासू माँ का कि मतलब आराम से उठो, और फिर और आज ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। मैं मतलब 5 बजे उठी और मैंने अपना सारा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब पूरा तैयार, जैसे ही मैंने 7:30 बजे तक पूजा वगैरह सब ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद जैसे ही मैं गेट पर गई और मुझे ना एकदम से सारी कन्या मिल गई, कम से कम 7 कन्या थी, और बहुत अच्छा रहा मुझे लगा। और पूरा टोटल जो लड़कों को भी जमाते हैं तो टोटल 11 हो गए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं चलो इस तरीके, और आज क्या है कि आज भव्या ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है, जैसे कि कपड़ा बिछाना, बच्चों को बुलाना, उन्हें खाना देना, बहुत मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं ना बच्चों के,
आज फर्स्ट टाइम उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी, वरना मैं अकेले ही कर लेती थी सारा काम। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आज अष्टमी भी हो गई है और अब धीरे धीरे दिवाली की और भी त्यौहार हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा चाय बना लूँ, अभी शाम का टाइम है तो चाय बना के दे देती हूँ सासू माँ को, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, रात को बनाए हैं मैंने नमकीन जवे, मटर वटर डाल के बढ़िया करके, और यही खाएंगे हम आज। तो फ्रेंड्स, अब रात हो गई है और रात में ना मैंने अभी बस जवे बनाए हैं, क्योंकि सुबह हलवा पूड़ी चने खा के ना बहुत हैवी हो गया था, और मेरे तो फास्ट थे तो मैंने आज फास्ट खोला था, तो मुझे वैसे ही बहुत कम खाना था, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसा हो जाता है कि नींद आने लग जाती है, तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके ही खाया था खाना, ऐसे नहीं कि एकदम से सारा एक साथ पेट भर लिया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाया था तो मुझे इतना अलकस नहीं आया आज, और बस अभी जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग जवे खा लेंगे। आज थोड़ा जवे बनाए थे और अभी नहीं आए तो मैं इसलिए वॉक कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग अष्टमी का, आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। We'll be right back.